हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रकाश पाटीदार। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कॉमर्स प्रोडक्ट में सेल प्राइस और रेगुलर प्राइस कैसे ऐड करते हैं। हमें कोई प्रोडक्ट सेल लगाना है तो हम उस प्रोडक्ट की प्राइस सेल प्राइस कैसे ऐड करते हैं। तो दोस्तों, वेरी सिंपल है कि आप उसके लिए जाएंगे हमारे वर्डप्रेस के लॉगिन एडमिन सेक्शन में और यहाँ पे आपको एक प्रोडक्ट का टैब दिखेगा। आप उस प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। अब प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद जो भी प्रोडक्ट है, मैं इस प्रोडक्ट को एडिट करता हूँ। मैंने इस प्रोडक्ट पे सेल प्राइस लगाना है कि जब भी कोई यूज़र आए, इसको विजिट करे, तो इसका एक सेल प्राइस रहे। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट को एडिट करूँगा और एडिट करने के बाद मैं इस प्रोडक्ट सेक्शन में आऊँगा। प्रोडक्ट सेक्शन में आपको यहाँ पर मिलेगा जर्नल वाला टैब, इन्वेंट्री, शिपिंग, प्रोडक्ट, ये सब हम नेक्स्ट सभी पढ़ेंगे क्या होता है। ठीक है, मैं आपको कुछ बता देता हूँ। इसमें जर्नल में हम रेगुलर प्राइस और सेल प्राइस डालते हैं, इसको मैं अभी बताता हूँ आपको। इन्वेंट्री में हम SKU यूनिक, ये प्रोडक्ट का आईडी होता है। SKU जो होता है वो यूनिक होता है हर प्रोडक्ट का। मैनेज स्टॉक, हम यहाँ पे स्टॉक मैनेज कर सकते हैं। स्टॉक क्वांटिटी हम रखना चाहते हैं, तो जब ये 100 प्रोडक्ट यदि यहाँ से सेल हो जाते हैं तो उसके बाद आपको ये आएगा आउट ऑफ स्टॉक का नोटिफिकेशन आएगा और साइट पे भी शो करेगा। उसके बाद आता है शिपिंग। शिपिंग में कितनी लेंथ के लिए कितनी वेट और सब रखना है आपको, एक शिपिंग क्लास के अलग ही वीडियो में बनाऊँगा कैसे होता है। और लिंक प्रोडक्ट, यदि यहाँ पे कोई दूसरा प्रोडक्ट का लिंक करना है इस प्रोडक्ट के साथ में, एट्रीब्यूट, हाइट, विड्थ, ये इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में एक वीडियो दूंगा, एडवांस में भी, और कमीशन ये अलग से देंगे। तो मैं अब डिस्कस करता हूँ आपके साथ रेगुलर प्राइस एंड सेल प्राइस। तो दोस्तों, रेगुलर प्राइस क्या, कौन सी प्राइस होती है जो कि एक प्राइस होती है, जो मान लो कि मेरा कोई प्रोडक्ट है 200 का है ना, तो 200 का जो प्रोडक्ट होगा वो मेरा रेगुलर प्राइस होगी। जो 200 की प्राइस होगी वो रेगुलर प्राइस होगी मेरी। ठीक है दोस्तों, तो ये वाली आ जाएगी मेरी रेगुलर प्राइस। यहाँ पर यदि मैं इस प्रोडक्ट की कॉस्ट, यदि यहाँ पे इस प्रोडक्ट की कॉस्ट 200 है, तो मैं इसकी सेल प्राइस, ऐसे होता है ऑनलाइन शॉपिंग शॉप में कि मैं इसको 20 रुपीज़ में बेच दूँगा, है ना। तो 200 का प्रोडक्ट आपको 20 में, तो रेगुलर प्राइस अपन ने बढ़ा दी। एक्चुअली ये प्रोडक्ट 20 रुपीज़ का ही है, बट उसको रेगुलर प्राइस कितनी कर दी उनने, 200 कर देंगे। तो कस्टमर्स को क्या लगेगा कि ये 200 का केवल 20 रुपीज़ में दे रहा है, तो ये उसको बेनिफिट हो जाएगा। ये देखिए, तो ये ऐसे ऐड करते हैं सेल प्राइस एंड रेगुलर प्राइस। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिए कि आपको नेक्स्ट WooCommerce और जैसे भी टेक्निकल वीडियोज़ के लिए आपको नोटिफिकेशन